यह पांच बातें लड़कों ने अपने गर्लफ्रेंड से नहीं कहना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम काउंसलिंग करते रहते हैं और काउंसलिंग के समय काफ़ी मतलब काउंसलिंग के लिए काफ़ी लोग आते रहते हैं कि भाई उनका भी जमता नहीं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जमता नहीं है, रिश्ता टूट चुका है, या वो लाइक नहीं करते हैं, आजकल फोन नहीं लेती है, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम लेके हमारे पास में लड़के लोग आते रहते हैं। पांच बातें ऐसी जो है जो एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। नंबर एक जो है उसका वजन, कि भाई बहुत मोटी दिखती है या वजन ज्यादा है, तो उसके बारे में कभी बोलना नहीं चाहिए कि वजन कम करना चाहिए। ऐसे कोई कॉमेंट वजन के बारे में पास नहीं करना चाहिए, वो उसको कभी अच्छी लगती नहीं है। फिर कम भी होगा तो भी नहीं बोलना चाहिए और ज्यादा होगा तभी नहीं बोलना चाहिए। नंबर दो उसका रूप, अपियरेंस, वो कोई उसका उसका कोई ड्रेस अच्छा लगता नहीं अपने को तो वो नहीं बोलना चाहिए, या उसको अच्छा दिखता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, या उसका उसके हाव भाव या उसका उसके गेस्चर्स या उसका टोटल अपियरेंस, उसके बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। नंबर तीन कभी भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में उसकी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। नहीं, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, वो ऐसी करती थी, उसका ऐसा था, वो कभी आपके ये गर्लफ्रेंड को अच्छी लगेगी नहीं। बातें कि आप उसकी बातें कर रहे हैं जो आपने छोड़ चुके हैं गर्लफ्रेंड को, तो वो कभी कंपेयर नहीं करना है। नेवर नेवर एवर कंपेयर विद द एक्स गर्लफ्रेंड। नंबर चार जो है वो है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कभी पूछना नहीं चाहिए कि पहले वाले कितने बॉयफ्रेंड थे, क्या था, कौन बॉयफ्रेंड था, वो कैसा था, क्या, वो भी नहीं पूछना चाहिए। वो भी कंफर्टेबल रहती नहीं है क्योंकि किसी को अच्छा लगता नहीं है। कभी पुरानी बातें रहती है, दुख भरी बातें रहती है, तो उसको अच्छा लगता नहीं है, तो वो भी बातें नहीं करना चाहिए। और नंबर पाँच जो है कि उसका जो काम करती है, समझो देखा था वो काम कर रही है, कोई प्रोफेशन में है या कहीं जॉब कर रही है, तो वो जॉब के बारे में कि वो ठीक जॉब नहीं है, वो छोड़ दो, या वो अच्छा जॉब नहीं है, या तुम्हारा बॉस ठीक नहीं है, या तुम्हारे कलीग ठीक नहीं है, या वो ऑफिस ही अच्छा नहीं है, वो काम ही अच्छा नहीं, मतलब ऐसा उसको कभी नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं है और वो छोड़ दो, या कंपेयर करो, या किसके साथ में बातचीत किया था, फिर वो जॉब में फिर किसके साथ में बातचीत करी, तुम्हारे बॉस के साथ में संबंध कैसे, मतलब ऐसा कुछ भी बातें वो जॉब के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो यदि आप करते हैं तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लाइक करेंगे, एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो टाइम एंजॉय करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये बातें यदि आप करेंगे जो मैंने पाँच बातें बताई, तो उसमें झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर मैं बातें दोहराऊंगा, नंबर एक वजन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, नंबर दो अपियरेंस के बारे में, नंबर तीन कंपेरिजन विथ योर ओन गर्लफ्रेंड, नंबर चार नॉट टू आस्क एनीथिंग अबाउट एक्स बॉयफ्रेंड, और पांच काम के बारे में कुछ डिसमिसिव नहीं बोलना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। बहुत लोग डिप्रेशन से बच जाएंगे, या बहुत लोगों को जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।